गुण भेद में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तब ये चिल्लाने लगते हैं। एक एनकाउंटर और विरोधियों के कई सवाल, लेकिन उससे भी बढ़कर सियासी बवाल जारी है। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में जाति की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। नैरेटिव सेट करने की कवायद की जा रही है कि मंगेश यादव था, इसीलिए उसका एनकाउंटर हो गया। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए थे। वो एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात भी की और फिर पार्टी के एक डेलीगेशन को मंगेश यादव के घर भेज दिया। और अब अखिलेश के बाद राहुल गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी भी अब पार्टी के नेताओं को जौनपुर स्थित मंगेश यादव के घर भेजेंगे। मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन विपक्ष पहले से ही जजमेंटल है। 2017 से अब तक हुए इनकाउंटर की सूची जारी कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कोई पहला इनकाउंटर नहीं जिस पे सवाल उठ रहे हो, इससे पहले भी कई इनकाउंटर ऐसे हुए जिन पे सवाल उठा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो आपराधिक यादव है इसलिए, अरे इस पार्टी को मैं बता दूं, छबिराम यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव, ये जितने अपराधी थे 80 और शुरुआती 90 के दशक में, ये कौन थे? और जब वो मारे जाते थे, उनको पालने वाले गिरफ्तार होते थे, तब एंटी डकैती एरिया एक्ट बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, कार्रवाई होती थी। इनके पिताश्री कहते थे कि एक बिरादरी को देख करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इतिहास इस पार्टी का। अखिलेश यादव मंगेश एनकाउंटर केस के जरिए एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित अखिलेश अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं और पीडीएफ फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अभी से लिखना शुरू कर दी है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना उनकी रणनीति की एक कड़ी है। अखिलेश बार बार जाति पर इसलिए जोर डाल रहे हैं ताकि योगी सरकार को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया जा सके। बीजेपी के खिलाफ इस मुहिम में दो लड़कों की जोड़ी जी जान से जुड़ी है, इसीलिए तो राहुल यूपी की योगी सरकार को घेरते घेरते केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं एसटीएफ जैसे प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। राहुल जिस उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसी एसटीएफ के जिस जाबाज डेप्यूटी एसपी ने हिस्ट्री शूटर मंगेश यादव को ढेर किया, उन्हें लोगों ने सम्मानित किया। एक दुर्दांत के एनकाउंटर के बाद राहत की सांस ले रहे इलाके के लोगों की खुशी इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। लेकिन विपक्ष क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को ही कटघरे में खड़ा करने का सियासी दांव चल रही है। क्या अखिलेश राहुल की कास्ट पॉलिटिक्स से 2027 में उत्तर प्रदेश की जीत फिक्स हो पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अपराधियों की भी जाति देखी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।